सरकारी गुंडागर्दी बंद करो, सरकारी गुंडागर्दी बंद करो, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। चलेगा नहीं चलेगा, कुर्सी वाला हिंदुस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा कुर्सी वाला हिंदुस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा कुर्सी वाला हिंदुस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको लगे आपको तो ये खुद समझना चाहिए कि हमने एक प्रोग्राम रखा था यूथ कन्वेंशन मैडम फेयरव्यू हमारी पार्टी प्रेसिडेंट के घर पे, लेकिन कल शाम तक हमें तैयारियां की करने दी गई, हमें होर्डिंग चलाई, हमने बोर्डिंग चलाई, हमने सब कुछ किया, सब तैयारियां की, लेकिन एंड मौके पे इन्होंने हमारे सारे ऑफिस, हमारा पीडीपी हेडक्वार्टर सील किया, हमें मैडम को हाउस अरेस्ट किया, हमें जितने भी सीनियर लीडर हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया, जो हमारे नॉर्थ साइड से लोग हैं, जो साउथ साइड से लोग हैं, जो सेंट्रल कश्मीर से लोग हैं, सारे दर्द दर्द खा रहे सड़कों पर, इन्होंने आगे नहीं चलने दिया हमें। ये डेमोक्रेसी का तो जनाजा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है। जो कौम की यहाँ पर आवाज़ है, एक ही आवाज़ यहाँ पर है, पीडीपी। आपने देखा जो हमारी मैडम ने आउटरीच किया पीर पंचाल एरिया में, जम्मू में किया, सेंट्रल कश्मीर में किया, नॉर्थ कश्मीर के, इनको तो डर, इनकी टांगे कांपने लगी उस चीज से। आप तो खुद ही देख रहे हैं, लोग जोग दर जोग हमारी मैडम के प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। कल आपने देखा जंतर मंतर हम पहुंचे, इनको वो भी आग लगी। ये तो हमारे आम लोगों की बात यहां पे करने नहीं देती है। ये खून खराबा के हफिज में अगर हम कोई भी बात करते हैं इनको प्रॉब्लम हो जाती है, अगर लोगों के मसले के बारे में हम बात करते हैं प्रॉब्लम हो जाती है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं ये, क्या डर है इनको ऐसा पीडीपी का। देखिए पीडीपी से इनको क्या डर, पीएचडी एक खास मकसद के लिए बनी है, पीएचडी हमने बनाई है एक खास मकसद के लिए। हमारा जो 2019 5 अगस्त को आर्टिकल 35A और 370 लिया गया, उसके लिए पीएचडी बनी है, उस अपने जो हमारे हुकूक आते हैं उनको वापस लाने के लिए पीएचडी बनी है। रही बात जलसों की, इनको पता है पीडीपी ने इनको अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, लोग देखे पीडीपी के साथ जुड़े हैं, इनको ये देख नहीं सकते हैं ये लोग, और हम पे ये आयद जितनी जातियाँ आयद ये पीडीपी पे करते हैं किसी को। कल आपने देखा अपनी पार्टी ने जड़ीबल में जलसा किया, क्या वहाँ कोविड नहीं है? कोविड को अपनी पार्टी से डर लगता है? कोविड हमेशा जिंदा पीडीपी को देख के होता है क्या? यहाँ गवर्नर साहब यहाँ जलसे करते हैं तो उनमें कोविड नहीं होता है? स्टैंड हमारी बाजी का वही रहा है, चाहे वो जेल के अंदर थी या चाहे वो जेल के बाहर थी। जिस दिन उनको जेल से छूटा गया तब भी उन्होंने एक ही बात की है, जो आर्टिकल 370 और 35 है, जब तक कश्मीर के हकूकात पीडीपी वापस नहीं लाएगी, ना पीडीपी रुकने वाली है, ना झुकने वाली है, ना थमने वाली है।